तो गाइस गुड मॉर्निंग, टाइम हो चुका है मंडे सुबह के 1:28। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप? तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो टाइम यहाँ पर भी हो चुका है 1:28। ये हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के कमेंट्स आए हुए हैं और मैं उनको रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और तकरीबन 1:30 है, अभी 15 मिनट पहले ही आया है आरती बिष्ट जी का। हैप्पी बर्थडे दीदी, थैंक यू सो मच। और ये जितने भी आए हुए हैं, ये मैम है मुंबई से, रोज कमेंट्स करती हैं, थैंक यू सो मच मैम आपका। और गाइस बस मैं ब्लॉग का एंड करने लगा था अभी, अब ये रही आ गई हमारी चाय, ये हमारी डॉली प्रियतमा जी चाय लेकर आ गई है। मंगलसूत्र अभी सुबह हो चुकी है यहाँ पर, मंगलसूत्र आपने पहनाया था, मैंने डाले ये रहा। तो अभी हमारा ये गुड मॉर्निंग, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। इस नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बाहर मौसम बिल्कुल धुंध वाला हो रखा है और ये मैडम पीछे आके खड़ी हुई है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कह रही ब्लॉग बना रहे हो तो आसपास के लोग देख रहे हैं। मैंने कहा वो तो देखेंगे लोग, ब्लॉग बनाओगे तो लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं, हम तो ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस बस नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा और अब जाने की है तैयारी। रात को मैंने आपको दिखाया था, तकरीबन 2 बज गए थे मुझे कमेंट्स को रीड करते करते, तकरीबन 2 बजे तक मैंने रिप्लाई किया है। और बस अब करते हैं थोड़ा सा काम और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। आया लच्छा परांठा, क्योंकि सुबह सुबह बामनी जी आए हुए थे नीचे और डॉली ने सामान सुमान देना था। मैंने कहा चलो मैं ही बना लेता हूँ लच्छा परांठा, डॉली के लिए भी अपने लिए, दोनों के लिए बना लिया मैंने नाश्ता। बैठे हुए हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो आए थे पंडित जी, उनको होई का प्रसाद देना था, उनको वही दिया। चलो ठीक है, मैंने नाश्ता कर लिया है। कर लिया आपके लिए भी बना दिया नाश्ता। बनाया परांठा, लच्छे वाला परांठा बनाया है। चलो अच्छा, हैं आप भी खा लो, आज ऊपर आज बनाया हुआ है परांठा, बनाया हुआ है सबको खिला देते, सबके सब आ जाओ खिला देना लच्छे वाला परांठा। पूछी तू भी खा लियो लच्छे वाला परांठा, ठीक है? नहीं वो तो लेके ले गई, आई थी सुबह अपना रस वगैरह ले जाती, कोको तो आती है सुबह का नाश्ता, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का हल्का फुल्का। हाँ चलो ठीक है, आप भी पूजा वूजा कर लिया आपने, सब कुछ हो गया, नाश्ता वास्ता कर लो, ठीक है बाय। तो गाइस बस मैं पकोड़े लेने आ गया था, डॉली का फोन आया था, लंच में आते हुए पकोड़े ले आना, आज पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। काकू भी आ गया होगा स्कूल से, तो बस मैं पकोड़े लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो चुके हैं हमारे, पकोड़े लेने आ गया था। भाई साहब निकाल रहे हैं पकोड़े और डॉली कहती पकोड़े खाने हैं, भाई साहब बढ़िया से फ्राई करके बना दे रहे हैं। पकोड़े चल गए कढ़ाई के अंदर हमारे। गाइस काकू जी आ गए हैं ट्यूशन से, आ रहे हैं आज जल्दी, चले गए थे आज 3 बजे चले गए थे और 4:30 बज गया है, आ रहे हैं लंच के लिए। आपकी मम्मी ने फरमाइश की थी जल्दी आ जाओ, कुछ लाए हो आपके लिए खाने के लिए, क्या बोला था? पकोड़े आजा, चलो आओ जी आप, आ जाओ प्रभुदेव आप आ जाओ। हाँ जी पकोड़े खाओ आप, लंच करो पहले, गरम पकोड़े पकोड़े खा लो, गरम गरम बनाए हैं, आलू के हैं, गोभी के हैं, प्याज के हैं। हमने बड़े दिनों से नहीं बनाना है गरम गरम पकोड़े, हम टाइम ही नहीं मिल पा रहा, टाइम वक्त ही तो नहीं है भाई, हम ज्यादा बिजी हो चुके हैं, बिना घर से बाहर, बिना घर से तू आ जाए, मेरे को तो काम है, फिर उसी हिसाब से बिजी होगा। हाँ तो मैं तो बिल्कुल नहीं निकलती, तभी बिजी हूँ इतना, आप तो काम करने जाते हैं। चलो करो लंच वगैरह मुझे भी दे दो फटाफट। चलो बस काकू आ गए, गर्मा गर्म पकौड़े फटाफट करो आप, चलिए गर्मा गर्म पकौड़े। तो एक उनका मैसेज आया, भरत जी का सिरसा से मैसेज आया है, हमारे ब्लॉग देखते हैं, उनका दिल से शुक्रिया भरत जी, जी। भरत ओए गिरेगा, गिर जाएगा, रिशित आ गया, रिशित आ गया, रिशित क्या जीत के लाया पहले, मेडल सर्टिफिकेट बहुत कुछ जीत के है पबजी का। हाँ चलो आ गया, उसके मेडल वगैरह सब आ गए, कुछ आ गया, अभी देखना है वो, पता नहीं शायद कहीं। ये मैडम जी ने लगा लिया मशीन, डॉली जी मशीन लगा कर बैठ गए हो आप? हाँ जी, मशीन के साथ साथ घर का दूसरा काम भी तो करना है ना, मशीन के साथ साथ दूसरा काम कर लूंगी, थोड़ा घर की सफाई सफाई कर लूंगी। तो लंच कौन देगा? लंच भी ले लो, तभी तो इसमें मशीन में फायदा होता है कि कुछ भी डालो, अपने काम करो, दूसरे काम। अब गरम पकौड़े भी दे दो फटाफट, गरम गरम जल्दी जल्दी। और क्या कहते हैं काकू भी आ गया है, हमें लंच दे दो, तो बस आप खाओ बैठ, क्योंकि कहीं दुकान से शब्बू भैया का फोन आएगा, फिर भागना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लो, खाओ जल्दी जल्दी, चलो चलो काम करने। टाइमर लगाया 23 मिनट का। हाँ, कितना पानी जा रहा है इसके अंदर, ये अभी वॉश होगा, उसके बाद फिर दोबारा से मैं दूसरे उसमें करूंगी ना, स्मार्ट सेंस पे करके फिर धो लूंगी। तो
तो गाइज ये है 11 kg। कोई कमेंट्स भी आया था 2-3 पहले अपनी मशीन का रिव्यू दिखाना, मुझे तो खैर पता नहीं किसी दिन पूरा दिखाऊंगा। ये इस कंपनी की है, ये आई एफ बी किया 11 किलो किया, 11 किलो 11 किलो 11.5 किलो की, ये पूरा सबसे फुल वाला यही है। हाँ। जब हमने ली थी सबसे मतलब बड़ा साइज का यही था, इससे बड़ा और नहीं। और इसको भैया को कहते भैया इससे बड़ा नहीं आता है। हाँ, मेरे को लगा कि इसकी टैंकी छोटी होगी तो कंबल कुमल धोने में दिक्कत होगी। कह रहे मैडम, भैया कहते तो आप भी घूम जाओगे, कंबल की क्या जरूरत है, कितनी बड़ी टैंकी है इसकी। कहते कि मैडम 11 किलो से ज्यादा आती नहीं है। हाँ, अभी तक तो बनी नहीं है, जब बनेगी तो आपको मैसेज कर देंगे। चलो मैं जा रहा हूँ फिर, फटाफट लंच तो ठीक है। और क्या कहते हैं, तो गाइज ये बच्चा किसके साथ रोटी खा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पकौड़ों के साथ रोटी खा रहा है, चटनी के साथ, सब्जी खत्म नहीं है, खत्म नहीं है, झूठ बोले कौआ काटे। मैं बैठा हुआ था शॉप पर, अभी अभी चाय पीकर ही हटा हूँ, और मैसेज आया है काकू के स्कूल से कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, एक मिनट उतर जाओ नीचे, दिल्ली के अंदर आपको पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और काकू की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 10 नवंबर तक काकू की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, और मैंने कहा एक बारी काकू को मैसेज मैंने भेज दिया है, मैंने कहा आपको भी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो भी बच्चे हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बेटा आ चुका है, देखिए हैप्पी बर्थडे जी, थैंक यू मेरे बच्चे, खेल के आ गया मेरे भाई। गाइस ये देखो ऋषित आ गया, गया था जयपुर, गया था पबजी का टूर्नामेंट खेल ले तो आ गया, रिजल्ट जीत के आया मेरा बच्चा, जीत के आया, विनर विनर विनर। आजा अंदर आजा, कोई बात नहीं, मम्मी का भी ले लो, मम्मी का भी प्यार ले। तो गाइस ये देखो आ गया है, ये मम्मा से मिल रहा है गाइस, देखिए 2 दिन बाद आया लाडला, आज होली का पूजा है तो बच्चा घर आ गया, बहुत खुशी की बात है। जल्दी जल्दी हमें लगा कि शायद एक दिन बाद आए तो फिर थोड़ा लगता है ना, बच्चा घर में आना चाहिए। जीत गया है, विनर है, विनर हमारे बच्चे। ऋषित ये मेडल जीत के लाया था, गोल्ड मेडल जीत के लेकर आया था, ये टी शर्ट जीत के लेकर आया था, और ये सर्टिफिकेट का है ऋषित बसरा, ये पबजी के अंदर जीत कर आया था और बहुत अच्छे ढंग से खेला था। जयपुर में यह था मैच इसका टूर्नामेंट, तो विनर हुई थी पूरी की पूरी टीम, उनको अमाउंट भी काफ़ी अच्छा खासा मिला था। और ये देखो ये जो दिखाया ना मैंने, ये मेडल अभी आया है थोड़ी देर पहले, शाम को ही आया मेडल, तो मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूँ। गाइस ये देखे, ये है गोल्ड मेडल और ये पूरा इसका सर्टिफिकेट, ये ऋषित जो जीत कर आया था, और ये देखो ये है पबजी वाला, ये क्या है मर्चेंडाइज, जिन्होंने इवेंट कराया था, ये पूरी टी शर्ट पे इनका नाम छपा हुआ है। तो गाइज एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना ऋषित को, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये स्पॉन्सर माउंटेन ड्यू वालों की, और आगे भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना गाइज, ये राजी, ठीक है, ऋषित को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना गाइस। तैयारी कर रहे हो, कलर भर रहे हो इसमें रंगोली वाले? हाँ, रंगोली। चलो यहीं पे लगाते हो, कहाँ रहते हो आप? रहते कहाँ हो? यहीं रहते हो? हर साल देखता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, सामने शॉप है ना मेरी, हर साल देखता हूँ आपको मैं। ये कलर लगाते हो सारे? हाँ। चलो बढ़िया, तैयारी करो दिवाली के, सारे कलर ले आए हो आप है? सब कलर ले आए हो? हम तो संतरी रहते हैं। अच्छा चलो बढ़िया है, बाबा कमाई करो, अच्छी बात है। लाइटिंग लगनी भी शुरू हो गई है, पूरी लाइटिंग लग गई है वहाँ से लेके वहाँ तक, पूरी लाइटिंग लग गई है मार्केट में। ये देखो पहली बार टाइम आउट का शिकार हुए मैथ्यूज, पहली बार आउट हुए ये वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसे हुए हैं कि टाइम सिर ना आने के कारण ये टाइम आउट कर देगा, नियम विकेट गिरने के बाद आने वाला बल्लेबाज 2 मिनट के भीतर अगली बॉल के लिए तैयार होना चाहिए। ये देखिए टाइम आउट हुए हैं मैथ्यूज, लेजर लाइट मार रहे हो चेहरे में, खुशी इतनी काहे खुशी कर रहे हो, खुशी किस चीज़ की हो गई? ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन वाले दिन आ गए बेटे, पोल्यूशन देखा बाहर कितना, बाल सीधे करो पहले अपने आप। अरे अभी तो कटिंग करा के आया था यार, अभी खत्म हुआ, अब दो मेरी बात सुन लो पहले, एक ध्यान से कान खोल के ध्यान पूर्वक बात सुनिए। डॉली जी इनकी क्लासे ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, और इनको भाई साहब को बोल देना सुबह टाइम से उठ जाना, आपका तो एग्जाम है सुबह, कल नहीं है, कल छुट्टी है, वाह भाई वाह, अच्छा 7 तक की छुट्टी है, इसका ऑनलाइन क्लासेस है सुबह 8 बजे, और टाइम से इसको उठा देना स्कूल की,
स्कूल खाना तो अभी दे देगी मम्मी। ये गाइस ये देखिए ब्लॉग देख रहे हैं भाई साहब बैठ के, और सुबह सुबह तैयार हो जाइए। रोज ही देखते हैं हम बैठ के अपने आप को, ही आपको काम नहीं है। क्या करें अब, अपने ब्लॉग तो देखने पड़ते पड़ते आए, टाइम पास कर रहे कैसे। हाँ जी टाइम से बिल्कुल रेडी एकदम उठा कर, कल सार्थक को घर का काम करवाऊंगी थोड़ा सा, सार्थक कल नहीं पढ़ना है थोड़ा सा करके पढ़ ली, क्या हो गया तू, कौन सा पूरा दिन पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा करूंगा तो आगे आके ज्यादा करोगी, थोड़ा थोड़ा करके कर लियो ना। मैडम ने अभी तक, मैं दुकान से आ चुका हूँ, ये मशीन अभी तक नहीं, इसने पीछा छोड़ा जो। हाँ जी बोलो, मशीन का है का हुआ, क्या होगा कुछ नहीं, कपड़े धुल रहे हैं, धुल रहे हैं बस, धुल रहे हैं। बड़े धुले नहीं है तो धुलना ही है ना फिर। अब सुबह दोपहर को 19 मिनट का टाइम है था, वो सोनिया भाभी के धुल रहे थे हैं, सोनिया भाभी के धुल रहे थे। हाँ ये मैं धुल रही हूँ। अच्छा मंगलसूत्र यहाँ डाला हुआ है, ये रहा, कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा इन्हें ऊपर छोटा कर दिया ना तो उठ रहा है, छोटा करवा के लाया था, कोई बात नहीं तो उठ रहा है, मिठा देंगे इसको, चिंता मत करो। इसमें दूसरा, अब खाना खुना बना रहे हो, क्या बनाया है, मूली का परांठा खाना है चाय के साथ, क्या खाना बता, रात को डिनर में मूली का परांठा कौन कौन खाता है, एक बार कमेंट करके बता देना गाइस, खाते हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में मम्मी हमें खिलाती थी, हम मम्मी बिल्कुल, हम नहा धो के आते थे ना बिल्कुल किचन के अंदर, नीचे लाइन सिर सब लगा कर बैठ जाते थे, और चाय रात को नहाते थे ना, स्कूल जाना होता था, हम सर्दियों में रात को ही नहाते थे, काकू भी है रात को ही नहाने का सबसे बढ़िया, हम छोटे होते रात को नहाते थे, कोई बात नहीं बेटा, वो तू भी बड़ा कुछ भी अपनी तरफ से बकवास कर रहा तू है, बेकार की बातें, चलो आप फटाफट करो, ये तो चले जाता है तो बाद में कॉलेज जाता है ना, जाने वो सुबह उठ के देर से पहले चले जाता है कॉलेज, अब कल जाएगा, हंस रहा है। अभी मैं कमेंट्स देख रहा था तो नैनीताल से हेमा जी भी हैं, वो भी हमारे ब्लॉग देखती हैं, हमने उनका नाम नहीं लिया था, वो थोड़ा सा कह दिए भैया मेरा नाम तो लिया नहीं आपने, तो हेमा जी मैंने आपका नाम ले लिया है, नैनीताल से बहुत हसीन वादी है नैनीताल की, कभी हम घूमने जाएंगे, नैनीताल जाने का बहुत दिल है, मैं आज तक कभी गया नहीं वैसे नैनीताल, काकू जी अब जाएंगे नैनीताल घूमने हम।